जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करे। नमस्कार, बोल किला आजाद है तेरे और आज सियासत में भूचाल आ गया है। जी हां, प्रियंका गांधी ने औपचारिक तौर पर सियासत में प्रवेश कर लिया है और औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं कि अब वो कांग्रेस की महासचिव हैं। और अहम बात यह कि उन्होंने अमेठी और रायबरेली से बाहर कदम रखा है, जिसका अर्थ यह है कि अब वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और खासकर बनारस की सियासत पर उनकी निगाह रहेगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब, और मेरा आकलन यह है, और आज मैं अमूमन भविष्यवाणी नहीं करता मगर मेरा यह मानना है कि हो सकता है कि बनारस में प्रियंका गांधी सीधी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दें। और यह भी हो सकता है कि सियासत कुछ इस तरह से उभर कर आए कि प्रियंका गांधी विपक्ष की साझा उम्मीदवार हो जाएं। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो यकीन मानिए उस वक्त जो भी पत्रकार बनारस में होगा उसे उस पूरे इवेंट को कवर करने का जो मजा है ना, वो मजा दोगुना हो जाएगा। तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, दूसरा एक विकल्प ये हो सकता है कि हो सकता है वो रायबरेली से चुनाव लड़े, क्योंकि सोनिया गांधी की तबीयत लगातार खराब रहती है, मुझे नहीं लगता अब वो फिर से चुनाव लड़ेंगी, तो हो सकता है वो रायबरेली से चुनाव लड़े। मगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका कदम रखना एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नब्ज है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर भी है दोस्तों, तो कहा जा सकता है कि योगी और मोदी, इन दोनों की सामूहिक सियासी ताकत जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और प्रियंका गांधी उन्हें वहां चुनौती देने गई हैं। इसके मायने क्या होंगे? देखिए, इसका जो सबसे पहला परिणाम यह होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी सीधे वंशवाद की सियासत को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर देगी, और वो हो भी हो गया है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से संबित पात्रा ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस जो है वो वंशवाद से आगे बढ़ भी नहीं सकती। तो जैसे कि मैंने कहा, वंशवाद को लेकर हमला शुरू हो जाएगा। दूसरा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने उनको बधाई दी है अपने फेसबुक के इस पोस्ट के जरिए, रॉबर्ट वाड्रा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ऑपरेशन दामाद जी के नाम से। रविशंकर प्रसाद ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था और कम से कम उस वक्त जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही दामाद जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में दामाद जी जो हैं वो जेल चले जाएंगे। अब 5 साल होने को आए हैं, प्रोपेगेंडा तो बहुत कुछ हुआ है मगर जेल दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। तो सवाल ये कि एक बार जब प्रियंका गांधी सक्रिय हो जाएंगी तो मान के चलिए रॉबर्ट वाड्रा पर सिरे से हमला शुरू हो जाएगा और रॉबर्ट वाड्रा का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमला करेगी। इसका क्या परिणाम होगा दोस्तों? इसका परिणाम यह होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सपोर्टर्स हैं वो तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जो कट्टर सपोर्टर्स हैं, जो मोदी भक्त हैं, उनके अंदर एक नफरत है गांधी परिवार को लेकर, और खासकर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर नफरत और भी ज्यादा हो जाती है। लिहाजा अगर रॉबर्ट वाड्रा को लेकर हमला होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो दे वुड बी प्लेइंग टू द गैलरी। अब रही बात रॉबर्ट वाड्रा पर, क्या कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जिस तरह से तमाम एजेंसीज, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, तमाम जो जांच एजेंसीज जिस तरह से कब्जे में हैं इस वक्त मोदी सरकार के, जिस तरह से नतमस्तक हैं उनके सामने, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आने वाले दिनों में कदम उठाया जाए। क्योंकि देखिए, ये जो कांग्रेस ने चाल चली है इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, कोई पत्रकार नहीं बता पा रहा था। आपको याद होगा राहुल गांधी ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा
सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि हो सकता है वरुण गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बन जाए, यानी कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस आ जाएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि वरुण गांधी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है बीजेपी में रहकर। तो ऐसा हुआ नहीं, लिहाजा प्रियंका का जो ट्रंप कार्ड चला है वो बहुत दिलचस्प है। अब सवाल ये कि क्या बुआ बबुआ का जवाब भाई बहन है, यानी कि क्या कांग्रेस जिस तरह से ये दाव खेल रही है उसका नुकसान कहीं समाजवादी और बसपा के गठबंधन को नहीं होगा। इसको लेकर दोस्तों मेरी दो थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर एक ये है दोस्तों कि हो सकता है कि कांग्रेस जितना ज्यादा ऊर्जावान होगी, उत्तर प्रदेश में जितना ज्यादा ताकतवर होगी, इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। क्योंकि देखिए, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यूपी के अंदर ठाकुरों को छोड़ के जो फॉरवर्ड कास्ट भी हैं वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है बीजेपी से। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ब्राह्मणों का वोट बच जाए, वैश्यों का वोट बढ़ जाए, तो इसकी गुंजाइश बनी हुई है। मगर जैसे मैंने कहा, गुंजाइश बनी हुई है। क्या दूसरी तरफ वो सपा बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? पूरी गुंजाइश है उसकी भी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। सपा बसपा की ताकत होंगे दलित, ओबीसीज, मुसलमान। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे जैसे कांग्रेस का कद बढ़ता जाएगा, तीन राज्यों में चुनाव जीत चुके हैं और इन तीन राज्यों में चुनाव जीतने के बाद न सिर्फ कांग्रेस में आत्मविश्वास बढ़ा है, कांग्रेस के सपोर्टर्स में आत्मविश्वास बढ़ा है, उनके वोट बैंक में आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि मुसलमान भी अब उम्मीद भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। क्योंकि मुसलमान का इस वक्त जो लक्ष्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दोबारा नहीं देखना चाहती, खासकर जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं पिछले 4.5 साल में हुई हैं, जिस तरह से एक अराजकता का माहौल उनके लिए पैदा किया गया है। तो क्या मुसलमान जो है वो बट तो नहीं जाएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के दौरान भी हुआ था। बहन जी ने, आपको याद होगा कि 100 मुसलमानों को टिकटें दे दी थी और उसका परिणाम ये हुआ था दोस्तों कि मुसलमान का वोट बढ़ गया था और नुकसान जो है फिर बीजेपी विरोधी मोर्चे को हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान टैक्टिकल वोटिंग करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो उन लोगों को हराएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के मूड में होगी या स्थिति में होगी, यानी कि उन लोगों को वोट करेगा। मगर यकीनन ये तमाम थ्योरीज की हम बात भी कर लें तो बहुत दिलचस्प हो गई है सियासत, और मुझे लगता है कि अब सियासत और गर्म होगी। गर्म ही नहीं होगी, बहुत बदनुमा भी होगी, बहुत बदसूरत भी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जैसे ही प्रियंका गांधी का नाम याद आएगा तो उनके पति का नाम उनसे जुड़ जाएगा, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा, और जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम आएगा, तो जैसे ही रॉबर्ट वाड्रा का नाम या गांधी परिवार का नाम आता है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम समर्थक शालीनता की तमाम हदों को पार कर देते हैं। लिहाजा सियासत दिलचस्प होगी मगर बहुत ज्यादा स्तर भी गिरेगा। अब यह देखना है कि कांग्रेस नुकसान किसे पहुंचाने वाली है, क्योंकि देखिए अब इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में बड़ा दाव खेल चुकी है और उसकी निगाह न सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव पर है बल्कि आगे भी, क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो काडर है, उसका जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो एक अरसे से खामोश पड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें जान आ जाए। और प्रियंका गांधी वो कुंजी साबित होने वाली हैं, वो सूत्र साबित होने वाली हैं जो उसके कार्यकर्ता के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जान फूकेगा। क्योंकि अब कांग्रेस इन दोनों मोर्चों के अलावा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और सपा बसपा, इसके अलावा एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर कर आ रही है। सियासत बहुत दिलचस्प है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास धन बल है, उसके पास कई स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और मान के चलिए, अगर प्रियंका गांधी ने मन बना लिया या कांग्रेस ने मन बना लिया प्रियंका गांधी को बनारस से उतारने का, हालांकि विकल्प मैंने एक बार फिर दोहरा दूं, दो हो सकते हैं, या तो रायबरेली जाएंगी या फिर बनारस जाएंगी, मगर अगर वो बनारस से चुनाव लड़ती हैं तो आप मान के चलिए 2 से 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के तमाम
जो नेता हैं और केंद्र सरकार का जो पूरा कैबिनेट है वो अपना काम भूल के बनारस में आ जाएगा, यानी कि पूरी कैबिनेट जो है वो बनारस से चलेगी। और मीडिया का बहुत अहम किरदार होने वाला है दोस्तों। जब आप सोच सकते हैं नफरत भरे प्रोपेगेंडा को फैलाने में मीडिया ने मदद की है भारतीय जनता पार्टी की, तो कांग्रेस पर हमला करना और प्रियंका गांधी को धता बताना, उन्हें छोटा बताना, वो तो एक बहुत सामान्य सी चीज है। बट जो भी है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अब जैसे जैसे हम 2019 के इन चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सियासत अब इन दोनों स्तंभों के आसपास घूमेगी। खैर, बोल क्लब आजाद हैं, मैं बस इतना ही, मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।